सभी इजी टॉपिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहाँ पे सारे बच्चे अटकते हैं, और वही पॉइंट डिसाइड करता है कि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे या फिर उसके आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टॉप 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस जहाँ पे आपको अटकने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और वही डिसाइड करने वाला है कि आपको उसके स्कोर मिलने वाले हैं या फिर आपके उससे मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स देखो, आपकी जो RRB की सेक्शनल टाइमिंग आई है, इससे आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, नर्वस होने की कोई बात नहीं। आपके पास 5 मिनट कम हुए हैं माना जा सकता है, लेकिन आप इसके बाद भी अगर अच्छे अटेम्प्ट दोगे एक्यूरेसी और थोड़ी सी स्पीड के साथ, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने भी आगे से कुछ सोचा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, और कॉम्पिटिशन सबके लिए सेम ही है, तो आप देखो आप दूसरों से अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हो। फाइन, आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सबसे पहले एग्जाम में उसे ही अटेम्प्ट करना है, और उस पोर्शन को अटेम्प्ट करके आपको उसमें एक्यूरेसी और स्पीड बनानी है। जैसे कि स्पीड मैथ्स आपको बहुत इजी चीज है, ठीक है, तो स्पीड मैथ्स में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप DI ट्राई कर सकते हो। DI हमेशा बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, DI आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, DI और स्पीड मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो अगर आपका अरिथमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक को स्किप नहीं करना है, एंड में ट्राई करो। ठीक है, उससे आपको इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इजीली बना सकते हो। चलो देखो, तो आपके पास यहाँ पे आ चुका है 16, और यहाँ देखो रूट 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 में आपको कुछ फाइंड करना है, और यहाँ पे रूट के बाहर है, मतलब इस साइड 3 जगह रूट के अंदर है और उस साइड बिन रूट के है। मैं मानती हूँ कि चलो इसे हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क कब तक लिखेंगे, हम एक्स लिख लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, अभी देखो सिंपली क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16 रूट एक्स रहेगा ये, है ना, प्लस 68.8 मतलब 69 रूट एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा 10 रूट एक्स, एकदम सिंपल, इज इक्वल्स टू 75 ऐसा ही रहेगा इंटू एक्स ऐसा ही रहेगा, 33.9 हो जाएगा 34। ठीक है, अब यहाँ देखो 69 माइनस 10, हाँ जी, अच्छा अब यहाँ देखो क्या है यहाँ पे रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। कभी भी रूट के अंदर अगर सेम नंबर लिखा हुआ है या फिर सेम वेरिएबल लिखा हुआ है तो वो प्लस माइनस हो सकते हैं इजीली, तो वो उसके जो सामने नंबर लिखा होगा ना, जैसे यहाँ देखो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, इसके आगे जो नंबर्स लिखे हैं आप इजीली ना प्लस माइनस कर सकते हो। फाइन, तो 69 माइनस 10 59, 59 प्लस 16 आपके पास कितना हो जाएगा 75, तो कितना आ गया 75 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 75 इंटू एक्स। आपके दिमाग में जो चल रहा है मुझे पता है, 75 से 75 कट कर दो, यही चल रहा है। अभी देखो 34 यहाँ डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 34 रूट एक्स या फिर x अपॉन रूट एक्स। अभी आप देखोगे कि भाई ये x और रूट एक्स का करना क्या है, हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, रूट एक्स की नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए x की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझें क्योंकि बाद में तो आपको डायरेक्टली लगाना है, तो अभी लॉजिक समझ लो। x का मतलब पावर पूरी है, x का मतलब पावर पूरी है, और नीचे रूट का मतलब इसकी पावर आधी है, तो जो 1 में से आप हाफ माइनस करते हो, 1 में से आधा माइनस करते हो, तो आधा ही आएगा, मतलब हाफ ही आंसर आएगा। तो जब आप इसे कट करते हो ना, आपके पास सिर्फ रूट एक्स आता है, क्या आता है सिर्फ रूट एक्स, मतलब ये जो 34 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, सिर्फ रूट एक्स की। लेकिन क्या आपको रूट एक्स की वैल्यू चाहिए थी, जी नहीं, आपको किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की। तो रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, बेसिकली आंसर होगा आपका 34 का स्क्वायर क्या होता है 1056, राइट। क्या आपके पास ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, वो बस आपको रूट देख के डराना चाह रहे थे कि आप उसे अटेम्प्ट ही ना करो, लेकिन क्वेश्चन इजी था। फाइन, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यहाँ पे देखो 13 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, फिर से एक रूट का क्वेश्चन। ठीक है, अभी हाँ तो यहाँ पे क्या करोगे, होल स्क्वायर है तो कभी ये नहीं सोचना कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, नहीं, आपको आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, उसे कैसे लगाना है, ए का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर क्या होता है 69, बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 4 से 20, आपको डायरेक्टली लिखना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फाइन, अभी देखो 13 इंटू 2 इंटू 2, 13 2 जा 26, 2 जा 52, 52 रूट 5, ठीक है, ये भी इजी था। अभी आपने होल स्क्वायर खोल लिया है तो अब और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अभी देखो इस साइड क्या है x रूट 5 और इस साइड क्या है 189 प्लस में, ठीक है, तो आप इन्हें तो प्लस कर सकते हो, 189 आएगा, उधर देखो प्लस में ही है। अगर बीच में यहाँ कहीं मल्टीप्लाई होता, ध्यान से सुनो, अगर बीच में यहाँ कहीं मल्टीप्लाई होता बीच में, तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हो पाता,
ठीक है, आपको देखना पड़ता है स्पेशली अगर अपॉन में कुछ कट कर सकती हूँ, क्योंकि अब प्लस में यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे प्लस में कुछ बचा नहीं है, बेसिकली क्या है, हाँ जी, अब आपके पास ये बचा है तो आपको पता है रूट फाइव से तो रूट फाइव कट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 जो कि पास आपके पास है। ठीक है, इजी था, वो कुछ नहीं कर रहा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर वो देखने में टफ है तो डिजाइन बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इजिली हुआ होगा। फाइन, हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास इधर है, जल्दी से सॉल्व करके देखो आप कितने सेकंड्स में इसे सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो ये क्वेश्चन लिया क्यों गया है, सबसे पहले देखो पावर हाफ का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। पावर वन अपॉन थ्री का क्या मतलब होता है, क्यूब रूट। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, नर्वसनेस के टाइम पे आप कुछ बहुत ही छोटी सी चीजें भूल जाते हो। सेकंड चीज क्या करनी है, यहाँ पे देखो ये जो पूरी चीज है ये प्लस से स्प्लिट हो रखी है, मतलब ये पूरी टर्म आपको पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर ये पहले सॉल्व करनी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस में एक्स है, सॉल्व यहाँ से कुछ होता हुआ हमें दिखेगा नहीं क्योंकि कट नहीं सकता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, इस चीज को ऐसा ही रहने दो, कुछ भी मत करो, बिल्कुल भी मत छेड़ो, ट्राई करो और बाकी सारी जो चीजें हैं वो दूसरी साइड ले जाके पहले ही खत्म कर लो और फिर इस साइड आओ। ठीक है, पहले इसमें कुछ नहीं छेड़ना है क्योंकि वैसे भी नहीं छेड़ सकते। अगर गलती से कोशिश कर ली कि यहाँ से इसे एलसीएम ले लो या फिर काट कूट लो, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा इसे अकेला छोड़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, 354.08 मतलब 354 प्लस एक्स, 31.98 मतलब 32 प्लस 124%, अभी 124 मतलब ये 125 ही है, 125 को आप क्या लिखते हो, 5/4 तो लिख देते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 64, आपको कट रहा है 16 बार में, माइनस रूट में 361, अगर रूट में 361 है बता दो किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है। अभी यहां देखो ये तो स्क्वायर रूट था क्योंकि पावर हाफ थी, यहां पावर 1/3 है मतलब क्यूब रूट है। अभी क्यूब रूट में अगर ये है तो इसे बाहर कैसे निकालोगे, अगर जीरोज है या कोई भी नंबर है, जोड़ी बनती है हमेशा तीन की, किसकी बनती है, तीन के आपको पेयर बनाने हैं, मतलब यहां से देखो तीन जीरो तीन जीरो, टोटल कितने पेयर बने, दो पेयर, तो यहां पे आ जाएगा 100। फाइन, इजी था। अभी देखो 16 फाइव जो होता है 80, 80 को आप उधर जाके, यहाँ प्लस है दूसरा जाके माइनस, तो आ जाएगा 20। अब 20 यहाँ 19 किसमें है, माइनस में दूसरा जाके प्लस करोगे तो आ जाएगा 39। फाइन, तो मैंने यहाँ लिख दिया 39। मैंने आपको क्या बोला था, सारी टर्म्स यहाँ से जो है ये सॉल्व करवा के दूसरी साइड ले जाओ, आप ले गए 39 आ गया। अब इस साइड आओ, क्या है यहाँ पे 354 प्लस एक्स अपॉन 32, यही है। अभी देखो 32 किस में है, डिवाइड में, पहले x को नहीं ले जा सकते, पहले 32 को ले जाओगे, यहाँ बस स्टेप्स ही हैं जो कुछ है और कुछ नहीं है। जब आप 32 को 39 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 32 × 39, और जो आंसर आएगा उसे 354 से माइनस करना है। ठीक है, अब आप किसी भी तरह से इसे कर सकते हो, चाहे आप 39 और 32 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं करना चाहते तो आप 32 ऐसे 39 को ले सकते हो, 40 − 1 कर सकते हो। तो जब आप इन तीनों को करोगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 128 में से जब आप 1280 में से 32 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 1248। ठीक है, अब 1248 में से ये आपको मल्टीप्लाई करके आया है इनका, अब जो आप ये आपको करना है माइंड में, ठीक है, लिख के नहीं करना, ये मैं आपको बता रही थी इसलिए मैंने लिखा है। तो 1248 में से आपको अब क्या माइनस करना है, 354, क्योंकि एक्चुअल में 32 तो ऑलरेडी उस साइड जा चुका है ना, तो 1248 में से आप माइनस कर लो 354। ठीक है, 4, 9, 894, क्या आपके पास ऑप्शन में है, देखो ध्यान से, 894 नहीं है। अब आप सोचो कि कितने सारे स्टेप्स थे इनमें, है ना, हो सकता है मैंने बीच में कहीं गलती करी, आप दोबारा चेक करोगे पता चलेगा नहीं यार गलती तो नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है, नन है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से नहीं करा है क्वेश्चन तो यही वो क्वेश्चन है जो कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। क्यों टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि आप इसे इतने सारे स्टेप्स हुए हैं तो आप हो गया रिकॉर्ड, मैं चेक कर लूँ इसे, है ना, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से करके चलना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं 11, आपके दिमाग में क्या चलेगा, पहले मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे पहले, देखो ये 11 11 हर जगह है, तो ये ही 11 हम हर जगह से कॉमन ले लेते हैं, 11 बाहर ले आते हैं। अभी देखो जैसे 11 बाहर लाए हो, टर्म्स के बाद क्या है, हर जगह प्लस 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 और यहाँ है माइनस, तो जो प्लस प्लस वाले हैं 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, अभी यहाँ तक मत जाओ, क्यों नहीं जाना है, इसे करोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। देखो 2, 3, 5, 5, 4, 9, तो कितना आ गया 9, 9, 9, 9। ठीक है, और 5 में से 6 माइनस करोगे क्या बचेगा, 1, 1, 1, कितनी बार है, 4 बार ही है ना, बिल्कुल 4 बार है। अभी देखो हमें बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 9 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8,
अब 8 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करो, पहले 8 ऐसे लिख दो, ये वाला 8 फर्स्ट और लास्ट 8, 8 16 1 कैरी, 8 16 7, ये जो लास्ट है वो इधर जाएगा तो आ जाएगा 9 7 7 6 8, 9 7 7 6 8 किधर है, ये रहा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ईजी था, आपने 2 सेकंड में कर दिया, बहुत ईजी था, आपने 5 सेकंड में निपटा दिया होगा। देखो अब यहाँ आ जाओ, देखो रूट के अंदर है फिर से एक क्वेश्चन 250% अपॉन 3, इससे कैसे करोगे। 250% मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 होता है, तो आपको पता है ये 300 है वो 250 है, तो क्या लिखोगे 5/6 लिखोगे, 5/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6 2 12, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10 लिखोगे। अभी यहाँ देखो क्या है, यहाँ है रूट पूरे में, तो इस पूरे का कर दो स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो इस साइड भी स्क्वायर करोगे, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। अभी यहाँ एकदम नॉर्मल सिंपल आ चुका है, तो 80% को लिखोगे 4/5 इंटू एक्स प्लस 60। अभी ध्यान क्या देना है, 5 से 60 आप कट नहीं कर सकते क्योंकि वो है प्लस में, तो मैंने क्या बोला था, कभी आपको ऐसी चीज मिल जाए ना प्लस में, उसे भाई ब्रैकेट में एक जगह ऐसी पहले रहने दो, हमें उससे मतलब नहीं भाई, तुझे जो रहना है रहो। अभी यहाँ क्या करेंगे, इसे ले जाओ दूसरी साइड, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में और 4 यहाँ डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 25 × 5 125 आ जाएगा। अब 60 प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 65। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। अगर यहाँ रूट एक्स होता बाय एनी चांस तो आप यहाँ पे 65 का स्क्वायर लिख देते, है ना, बहुत ईजी है। देखो 65 है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आपने 2 क्वेश्चन कितनी जल्दी उड़ाया, मतलब आपको आती सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, राइट। चलो अब तक के जो क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व कर लिया, मतलब आपकी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, और यहाँ पे आपके नंबर नहीं कट सकते। चलो देखो यहाँ पे क्या है, 8837। अब आपको दिख रहा है यार ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अगर ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो क्या गारंटी है कि रूट के अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं किसी नंबर के, गारंटी है, नहीं है। तो क्या अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे कि यार कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट किस तरह से निकाले, क्योंकि अगर आप वो मेथड है ऑब्वियसली, लेकिन वो मेथड बहुत ज्यादा लेंदी है। अब मैं बैठ के इसका परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इस रूट का परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करूंगी, या फिर इसे एक्चुअल में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, या फिर इस क्वेश्चन को स्किप करूंगी, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। देखो क्या करोगे आप इसमें, सबसे पहले अगर आपको मेरी अगर आपने स्क्वायर वाली वीडियो देखी है तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी। चलो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होता है, 2 का स्क्वायर 4 से, 3 का स्क्वायर 9 से, 4 का स्क्वायर 6 से, 5 का स्क्वायर हमेशा 5 से एंड होता है, 6 का स्क्वायर हमेशा 6 से एंड होता है, 7 का स्क्वायर हमेशा 9 से, 8 का स्क्वायर 4 से, और 9 का स्क्वायर 1 से, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ यार ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन ध्यान क्या रखना है, टाइम कैसे बचाना है, आप ध्यान रखो 1 और 9 का स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होता है, 2 और 8 का स्क्वायर हमेशा 4 से एंड होता है, इसी 3 और 7 का स्क्वायर हमेशा 9 से एंड होता है, 4 और 6 का स्क्वायर हमेशा 6 से एंड होता है, और 5 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 5 से एंड होता है, आपको पता है। अब देखो 1 और 9 को प्लस करके 10 आता है, मतलब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ऐसे 2 और 8 को प्लस करके हमेशा 10 आएगा, 4 और 6 को प्लस करके 10 आएगा, 3 7 को प्लस करके 10 आएगा, फाइन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या देखना है, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता है कि ये 8837 एक्चुअल में किसी का स्क्वायर है भी कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे कि देखो भाई 6 7 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर में आता है, भाई देखो 6 है, 6 4 या 6 के स्क्वायर में आ जाता है, तो मैं इसे क्या कर लेती हूँ 8836, ठीक है। इसी तरह से 5040, अभी 0 देखो 0 स्क्वायर में आता है 10 के, लेकिन उसके लिए आपको 2 0 चाहिए ताकि वो रूट के बाहर आ पाए, मतलब 1 0 से काम नहीं चलेगा। अब 0 के आसपास आता है मेरे पास 1 जो कि 1 और 9 का स्क्वायर होता है, तो उसे मैं क्या कर लूँ 4 5 0 4 1, फाइन, ये चीज आपको क्लियर है। अभी देखो एंड में क्या है, इसके 9 है, अब आप बोलोगे दीदी 9 तो है, ये दे रो, ये रहा दोनों जगह, ठीक है, तो भाई उसे चेंज नहीं करते, 9 है तो क्यों चेंज करना। अभी हम श्योर नहीं है कि एक्चुअल में किसी का परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं, तो अब मैं हर एक नंबर को इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करके नहीं देखूंगी, एलसीएम लेके नहीं देखूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्या करना है आपको, देखो आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के देखनी और फिर बाद में चेक कर लेंगे, 6 से एंड हो रहा है तो 4 का स्क्वायर से एंड होगा या फिर 6 के स्क्वायर से एंड होगा। अभी यहाँ पे क्या बचा 88 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 9 का, 9 का स्क्वायर होता है 81 और वो इससे जस्ट छोटा है, तो यहाँ पे या तो आंसर 94 आएगा या 96 आएगा, सही बात, बिल्कुल सही। अभी एक चीज बता दो, 9 टेन्स का क्या होता है 90,
ये नंबर अगर 90 से छोटा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसका नेक्स्ट नंबर देखना है, 9, 10 से 90, 90 से अगर ये नंबर छोटा है तो आंसर आपका छोटे वाला है, मतलब 94, वरना आंसर बड़े वाला होता अगर ये 92 होता ऊपर वाला तो। समझे ये कब चलती है, जब नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है एक्चुअल में, लेकिन हमें नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ एक बार 94 का स्क्वायर निकाल के देख लेती हूँ इसके लिए, ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। तो 94 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ट्रिक लगाओ तो 94 100 से कितना कम है, आप बोलोगे दीदी 6 कम है, ठीक है तो 6 कम का मतलब 36 कर लिया। अभी 94 में से अगर आप 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 88 आएगा, तो 8836 आपका 94 का स्क्वायर आ चुका है। अब देखो क्या 8836 का ही निकाला था, हाँ जी वही निकाला था, तो देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ 45041 पे, 1 सेंड हो रहा मतलब या तो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा, और 50 से छोटा जस्ट मुझे पता है भाई 7 का होता है, 7 7 49, और 7 8 56 होता है, तो 8 56 है तो ये छोटा है 50, इसलिए 71 आंसर है। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो कि भाई 70 70 का स्क्वायर लोगे तो 4900 है, और ये 4900 से जस्ट बड़ा है तो 71 का ही स्क्वायर होगा, एस्टिमेट भी कर सकते हो, वो भी सिंपल चीज है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखो, मुझे पता ही 71 का ही स्क्वायर होता है, इतना चीजें कुछ कुछ याद रहती है, ठीक है। चलो अब आते हैं 4489 9 से स्क्वायर, भाई 9 सेंड हो रहा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 के साथ हमेशा हम 7 लेते हैं क्योंकि प्लस करके 10 आता है, ये दिमाग में चलना चाहिए। अभी क्या है यहाँ पे 44, भाई 6 6 36 और 7 7 49, तो भाई 6 है 6 का स्क्वायर से जस्ट छोटा है, तो आंसर या तो 63 आएगा या 67 आएगा। अब 6 7 का क्या होता है 42, अभी क्या नंबर 42 से छोटा है या बड़ा है, भाई 42 से ये नंबर बड़ा है, तो अगर ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे हम बड़ा वाला आंसर सेलेक्ट करके 67 कर लेते हैं, ठीक है। अभी 67 का स्क्वायर 4489 ही होता है, ठीक है आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो वरना। अभी क्या चीज़ यहाँ पे, जो हमने स्क्वायर जो रूट वाली हमने इतनी सारी इन्होंने हमें मुश्किलें पैदा कर दी थी वो हमने हटा दी हैं, ठीक है तो अब हम इसे एक्चुअल में सिंपली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक बार देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है ऑप्शन में से या फिर गलत आ रहा है। तो देखो जरा ये 94 का आया था, 94 इंटू 24.25 मतलब 480 इंटू 94 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपके पास आया था 71 इंटू 10 8.75 मतलब 9 माइनस 67 इंटू 5, और 1.25 का हम 1 ही लेंगे, ज़्यादा हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि ये 1.25 और ये 4.25 का 8.75 में हमने फिर भी बैलेंस कर लिया है तो चल जाएगा, और ऊपर से अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है अपना। चलो तो 35 देखो माइनस का साइन, यही गलती होती है जल्दी में गड़बड़, ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मेरा एग्जाम इस टाइम पे नहीं चल रहा है लेकिन आपका जब एग्जाम चलेगा, देखो यहाँ पे भी 94 होगा जब आपका एग्जाम चलेगा, मैं अभी समझा रही हूँ तो मेरा दो जगह ध्यान है, लेकिन आप तो उसी टाइम पे एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके रहोगे ना, उस टाइम पे नर्वसनेस और प्रेशर आपको बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो भगवान जी का नाम लो जिसे भी आप मानते हो, दिमाग थोड़ा ठंडा करो, थोड़ा सा पानी पियो और हो जाओ शुरू, ठीक है। अभी भी इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। 32 72 7520 आ गया, यहाँ पे करो 0 9 63, अभी इन्हें प्लस कर लो, 0 11 9 आएगा, हाँ 9, और यहाँ 13910 में से आपको 335 माइनस करना है, ठीक है 5 7, और यहाँ 6 5, 13575 देखो है क्या, 13575, ओ फर्स्ट ये सही निकला हमारा, ठीक है। यहाँ पे वो एक्चुअल में किधर कंफ्यूज कर रहे थे आपको, सिर्फ रूट में कंफ्यूज कर रहे थे, और वहीं आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर ले लिया आपको पूरा क्वेश्चन गलत है, सोचो अगर मैं 67 की जगह 69 ले लेती तो ये गलत हो जाता, और ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम्स में होती हैं, और यही आपको नेगेटिव मार्किंग ले जाती है, नेगेटिव मार्किंग आपके लिए बहुत हार्मफुल है आपको भी पता है, ठीक है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था, बढ़ते ना तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है 7 होल 4 अपॉन 3, सारी चीजें आपको गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट में भी नहीं है, बहुत सिंपल लग रहा है। देखो करना क्या है, ये वाला देखो डिनोमिनेटर देखो, 3 किसके साथ है, 3 यहाँ पे है, ठीक है तो 4 + 2 होता है 6 6 अपॉन 3 कट के आ जाएगा 2, और 5 और 7 प्लस होकर आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 3.5, ठीक है 3 होल 1 अपॉन 2, यहाँ देखो आधा है, ये रहा आधा, ठीक है। अब 7.5 इस साइड माइनस में, दूसरा जाके प्लस, तो 7 3 हो जाएगा 10, और आधा आधा मिलके बन जाएगा 1, मतलब हो जाएगा 11 सीधा सीधा, ठीक है। आपको फ्रैक्शन में जाना नहीं है, कोशिश करो कि इजीली कर पाओ, ठीक है। ये हमारे सब
सॉल्व हो चुके हैं। अभी देखो यहाँ फाइव फाइव डिनोमिनेटर, टू फाइव कितना, टू थ्री होता है फाइव, फाइव से फाइव कट जाएगा इलेवन, और फोर होता है फिफ्टीन, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपली क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप देखो कहाँ गलती करोगे, आप यहाँ गलती करोगे, आप सोचोगे ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, आप सोचोगे ये मल्टीप्लाई में है, तो 12 टू जा 24, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक्चुअल हमेशा से प्लस में रहते हैं, इसमें रहते हैं प्लस में, क्योंकि यहाँ पे वन है। सपोज अगर बिल्कुल सिंपली लें बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन से, तो 12 वन जा 12 प्लस टू 14, ठीक है, इस तरह से ले सकते हो, वरना बेसिकली प्लस में रहते हैं, कुछ याद मत रखो। अब 11 और 14 मिलके हो जाएगा 25, 15 उधर प्लस में है, 25 में से 15 माइनस करोगे आ जाएगा 10 आपकी वैल्यू, ठीक है। हमने क्या करा भाई, फ्रैक्शन कोशिश करी कि फ्रैक्शन में हम ले जाए ही ना, फ्रैक्शन सॉल्व करने में क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधा कर लिया, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो। अब देखो ये फिर से आ गया आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ आप दिक्कत करोगे, या फिर अगर आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, तो हो सकता है यहाँ भी कर दो। वैसे यहाँ बड़े नंबर्स है नहीं, तो मुश्किल करोगे, लेकिन वहां देखो 53.5। अब आप यहाँ पे तिगड़म लगाओगे किसका कितना होता है फ्रैक्शन में, कोई छोटा नंबर लो उसे मल्टीप्लाई करो, बड़े फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नहीं रहने दो, क्या करो 53.5 का जस्ट डबल क्या होता है, 53 का जस्ट डबल क्या होता है 106, 106 आधा आधा बन के एक हो जाएगा, तो 107। आप ऊपर डबल करा तो नीचे भी डबल, और परसेंट मतलब 200। अब आपको रियलाइज होगा कि 107 एक्चुअल में प्राइम नंबर था, ठीक है, तो यहाँ पे यही आना था, आप किसी भी तरह से इसे और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, वरना पॉइंट में आता, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई 720, ठीक है, आप काट कूट की सोच रहे हो, ठीक है, काट लो आराम से। 676 आपको पता है 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन में 784 28 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई, हाँ जी। अब यहाँ देखो डिवाइड में है, तो 3969 किसका होता है आपको पहले देख लेना है, तो 9 से एंड हो रहा है, मैंने आपको अभी सिखाया था 1 या फिर 9, ठीक है, वो ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है, तो जरा ध्यान से करो, ठीक है, हाँ जी। देखो गलत हो गया, ठीक है, यही गलती हुई है, 9 से स्क्वायर कभी 109 का एंड होता ही नहीं है, 109 का हमेशा 1 से एंड होता है, तो 9 से किसका होता है, देखो 3 जा 9 और 3 के साथ हमेशा आता है 7। अब देखो 39 है, तो 6 जा 36, या तो आएगा 63 या आएगा 67, 67 जा 42, 42 से छोटा है मतलब 63 आपका आंसर है। अब 63 एक्चुअल में यहाँ डिवाइड में होना था, लेकिन नहीं भाई, ये तो यहाँ डिवाइड का साइन है ना, तो हम उल्टा कर लेते हैं, 63 अपॉन 39 कर लिया हमने, हाँ जी, बहुत ईजी है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है, 729 किसका क्यूब है, जल्दी से बताओ किसका क्यूब है, आपको पता है 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई अपॉन में ही रखो, 125 5 का होता है, हाँ जी। तो अब आपको लग रहा है कि भाई जहां से जो कट सकता है काट दो, क्योंकि अब हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कहीं प्लस है ना कहीं माइनस है, दिल भर के काटो, ठीक है। तो 9 7 63 होता है, 7 4 28 होता है, ठीक है, 0 से 0 गया, इसे काटोगे क्या, चलो 4 से काट दो, 4 1 4 9 8 18, ठीक है। अब ये 18 9 और ये 10 5 2 जा 10 2 13 जा 13 3 जा, ठीक है, अभी क्या बचा है, 3 से कटा है 9 3 बार में, 107 3 जा, यही आ रहा है ना, और कुछ बचा है क्या, देख लेंगे 321 है, अरे वाह आ गया, ठीक है, बहुत इजीली आया, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ी सी कटकुट मचानी पड़ी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 107 आपका प्राइम नंबर होता है तो किसी से कटेगा नहीं, इसलिए फालतू में काटने की कोशिश मत करो, ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। डेसिमल में फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हो 1/3 है, मतलब आपको क्यूब रूट निकालना है 0.125 का। अगर आप क्यूब रूट निकालते हो, चलो ठीक है, देखो पॉइंट हटेगा नीचे, 3 जीरो लगेंगे, है ना, और मैंने आपको बोला था कि जो रूट से बाहर निकलता है वो जोड़ियां बनती है 3 की, है ना, और यहाँ पे 125 आप लिखते हो 5 का क्यूब, तो ये 5, 5 का क्यूब कैसे लिखते हो, 5 × 5 × 5, मतलब जोड़ी किसकी बनी, एक बन गई 5 की और एक बन गई 10 की, ठीक है। तो आप 125 इस पूरी को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5/10 रूट के बाहर, ठीक है, 5/10 मतलब 0.5 5/10 लिख दिया, सारी चीजें हटा के। अभी देखो ये क्या है, पावर है माइनस में, अगर पावर माइनस में होती है हमें उसे बनाना पड़ता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे लिखते हैं 1/10 टू द पावर 2। अगर इसकी पावर 2 है मतलब ये एक्चुअल में 1/100 बन गया और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर अब ये 100 है तो इसे मैं क्या लिखूंगी, इसे मैं लिखूंगी 0.01 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब ये जो है इसे क्या लिखोगे, 0.5 में से आप 0.01 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा
0.49 आपके पास आएगा, 0.49, और यही आपके एक्स की वैल्यू है। क्या कहीं पर और कुछ है? अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, बाहर यहाँ पे था आपके पूरे का 50%, 50% मतलब 50% का बोलते हो हाफ, हाफ मतलब अगर इसका हाफ बनाना है मतलब रूट लगाना है, रूट में है 0.49। अगर ये रूट में है तो फिर से अगर आप वही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या आना है, 7/10 आना है, 7/10 को आप 0.7 लिखते हो। अब मैंने सारी चीजें बेसिक से क्यों बताइए, क्योंकि आपको कहीं पे कोई भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर अपॉन में दो जीरो है तो बाहर तो एक ही जीरो आएगा। सेम चीज ऊपर देखो, डेसिमल के बाद अगर दो नंबर है तो सीधा 7 बाहर आ सकता है। डेसिमल के बाद तीन नंबर थे, यहाँ था स्क्वायर रूट, यहाँ था क्यूब रूट। अगर ये डेसिमल के बाद तीन नंबर है तो ऑब्वियसली नीचे तीन जीरो आएंगे, और अगर तीन जीरो आएंगे तो 5/10 सीधा बाहर आ जाएगा आपके। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, सपोज आपके पास जैसे आपको यहाँ पे 0.125 गिवन है, तो 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है, ठीक है। अपॉन में आना है 1000, 1000 का 10 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चलेंगी, ठीक है, चीज समझ आ गई। चलो यहाँ देखो, ये आपके पास कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, ये आपके पास क्यूब रूट है। अभी इसकी भी हमने ट्रिक्स देख रखी है, एक बार देखते हैं कैसे करना है। सपोज मैं पहले क्यूब रूट पहले सॉल्व करना चाहती हूँ, क्या करना है यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 से एंड हो रहा है मतलब हमेशा 2 का क्यूब ही 8 से एंड हो सकता है सिर्फ, ठीक है। अभी देखो क्या बचा, 74। देखो 74 से छोटा किसका क्यूब होता है, 74 से छोटा किसका क्यूब होता है, देखो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो किसका आ गया आपके पास, 4 का क्यूब 64, 74 से जस्ट छोटा है तो 42 ही इसका आंसर है। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या करते हैं, मिडिल से स्प्लिट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है क्यूब रूट में लास्ट के तीन नंबर पहली टीम में होने चाहिए। इस टीम में तीन नंबर जरूरी है, इसमें चाहे एक भी बच जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही इस तरह से लास्ट की टीम में दो नंबर होना चाहिए, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो दो नंबर, क्यूब रूट निकाल रहे हो तो लास्ट की टीम में तीन नंबर होने जरूरी है। अब देखो 4 सेंड हो रहा है तो किसका होगा, या तो 2 का होगा या 8 का होगा। 116, ये काफी लंबा स्क्वायर चला गया। तो क्या सोचना, हम जैसे सोच रहे थे हमें बिल्कुल वैसे सोचना है, किसका स्क्वायर 116 से जस्ट छोटा है, किसका स्क्वायर 116 से जस्ट छोटा है। देखो 11 का स्क्वायर 121 है, 116 से बड़ा है, तो 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है और वो इससे जस्ट छोटा, मतलब यहाँ लिख दिया 10। अभी आपके पास जो आंसर आएगा या तो वो 102 आएगा या 108 आएगा। अभी क्या चीज दिमाग में चलेगी कि इन दोनों में से क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक आने वाला है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, 10 का अगला नंबर क्या है, 11। 10 11 से क्या होता है, 110। 110 से अगर ये नंबर बड़ा है, जो कि बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा 108 प्लस 42, आपके पास कितना आ जाएगा 150 इंटू 10 आपके पास आ जाएगा 1500 इज इक्वल्स टू 125 इंटू एक्स। हाँ जी ठीक है, अब आपको इसे कट करना है। हाँ जी बिल्कुल कट करना है। तो यह कैसे कट करोगे, देखो 125 फोरजा होता है 500, ठीक है, हमने शॉर्ट्स भी, आपने शॉर्ट देखा होगा इस पे, तो 125 फोरजा होता है 500 और 5 थ्रीजा होता है 15, तो यहाँ पे कट के आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 12, 3 4 12, ठीक है 12 है। हाँ जी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब हम देखने वाले लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप में से ही किसी ने रिक्वेस्ट करा था, आपका डाउट था, तो एक बार इसे सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं ना, ये प्याज के छिलके की तरह होता है, जैसे अनियन होता है ना, उसके पील आपको कैसे कैसे पील ऑफ करते हो, अंदर से लेयर बाय लेयर चलते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर से चलो, एकदम अंदर से देखो, 121 सबसे पहले रूट में, और ये नॉर्मल रूट है मतलब स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 प्लस करना है इस नंबर में, प्लस कर लो 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो वो 13 का यहाँ देखो माइनस का साइन है, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना होता है 144। 144 किसका स्क्वायर होता है भाई, 12 का होता है, तो 12 आपको किस में प्लस करना है, इसका स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 373। अब इसमें से आपको माइनस करना है, ये पूरे को सॉल्व करके आपका क्या आया 373। अब 373 से माइनस करना है आपको 7 का स्क्वायर मतलब 49, ठीक है। 50 प्लस करोगे 23 और 324 आ गया। अब देखो ये क्या निकालना है आपको, 324 ये तो है नहीं, अच्छा ये पूरा बड़ा वाला रूट है, यहाँ तक रूट चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा वाला रूट 324 में है, 324
324 किसका स्क्वायर होता है भाई? 18 का स्क्वायर होता है। तो 18 आपके पास आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको कहीं से भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, में अगली वीडियो बना के उसमें जरूर कवर करूंगी। और अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपने आज कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा होगा, ठीक है? So for now, let's meet in the next videos. Thanks for watching. Bye bye. Keep preparing and all the very best for your exams.